आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान खसूसी डिविजनल कमिश्नर जम्मू श्री रमेश कुमार जी, एडीजीपी जम्मू श्री मुकेश सिंह जी, डीआईजी डॉक्टर सुनील गुप्ता जी, हमारे लोकल ब्रिगेड कमांडर साहब, एसएसपी साहब, सिविल तथा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के सभी ऑफिसर्स, यहाँ पे किस्तान के सभी मौजूद शहरी, अक्रॉस पार्टी लाइन, अक्रॉस कम्युनिटी लाइन जो आज यहाँ पे हैं, मैं अपनी तरफ से सबसे पहले मेहमानों का स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल के किस्तवाड़ के लोगों का हौसला बढ़ाया है, क्योंकि किस्तवाड़ स्पोर्ट्स फेडरेशन ने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ, बहुत कोशिशों के बावजूद इस इवेंट को कामयाब करवाया है। क्योंकि बीच बीच में मैं भी इनके साथ जुड़ा हूं, इसलिए मुझे पूरा अंदाजा है कि कितनी मेहनत के बावजूद यह आज संभव हो पाए, यह मुमकिन हो पाया है कि किस्तवाड़ की सरजमीन पे, किस्तवाड़ के स्टोगन ग्राउंड में आज जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ है। इसके लिए किस्तवाड़ स्पोर्ट्स फेडरेशन ने हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी मीटिंग करके उनसे मदद ली, न सिर्फ टूर्नामेंट के लिए, यहाँ की स्टेडियम के लिए भी किस्तवाड़ स्पोर्ट्स फेडरेशन को गवर्नर साहब ने एश्योरेंस दिया है कि बहुत जल्दी मैं किस्तवाड़ की धरती पे आके स्टेडियम का फाउंडेशन स्टोन डालूंगा। ये भी हमारी खुशकिस्मती है। और इसके साथ साथ डीजीपी साहब ने भी बहुत मदद की है। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि किस्तवाड़ स्पोर्ट्स फेडरेशन ने जिस मकसद के लिए इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है, बहुत लंबे समय से हमारी जो नई जनरेशन है, कोई कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं है हमारी जनरेशन के लिए, जहां पे वो कास्ट कम्युनिटी लेवल आके मिले, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है, वाइल्ड वाइल्ड एक ऐसा चौगान ग्राउंड है, जो एक तारीखी ग्राउंड है, जो एक ऐतिहासिक ग्राउंड है, किस्तवाड़ के भाईचारे की तारीख यही ग्राउंड है। और इसी ग्राउंड को दोबारा से किस्तवाड़ की आने वाली जनरेशन के लिए एक नया किस्तवाड़ बनाने के लिए किस्तवाड़ स्पोर्ट्स फेडरेशन ने जो कदम उठाया है, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। और आज जिस मैदान में सारे किस्तवाड़ के मौजूद लोगों की उपस्थिति, हाजिरी इस बात की जवाबदेही है कि आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए जो ये तारीख यहाँ पे लिखी जाएगी, हम सब एक है, यहाँ का भाईचारा सबसे ऊपर होगा, यहाँ की इंसानियत सबसे ऊपर होगी। किस्तवाड़ के भाईचारे की मिसाल 1947 से लेकर आज तक दी जाती है। उस भाईचारे को कुछ एंटी सोशल लोग, जिनका एक पर्टिकुलर एक मकसद होता है, लगातार कोशिशें करते हैं कि भाईचारा टूटे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ के प्रशासन ने, विशेषकर हमारे जम्मू प्रोविंस के प्रशासन ने आज किस्तवाड़ स्पोर्ट्स फेडरेशन के इस कदम को, भाईचारे के कदम को सराहा है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये भाईचारा पूरे जम्मू कश्मीर के लिए भी, पूरे देश के लिए उदाहरण बनेगा, एक मिसाल बनेगा। मैं हमारे बात करूंगा यहाँ की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को भी, जिन्होंने जब एसपी साहब ने यहाँ पे कार्यभार संभाला, पहले स्टेप में इन्होंने यहाँ पे ड्रग्स को, जो ड्रग्स प्रचलन यहाँ पे चला है, इसको काबू पाने के लिए भरपूर कोशिश की। और मुझे आज कहने में बड़ा गर्व हो रहा है, आज कम से कम लगता है हमें कि 70-80% इन्होंने इस ड्रग्स पे काबू पाया है। इसके अलावा जो यहाँ पे एंटी सोशल लोग हैं, एंटी नेशनल लोग हैं, इनको भी काबू किया है, मैं मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन जब तक यहाँ पे सामाजिक इन्वॉल्वमेंट, जिसे सोशल इन्वॉल्वमेंट कहते हैं, ये बहुत तब तक इसे हम पूरा नहीं मानेंगे। इससे यहाँ पे किस्तवाड़ स्पोर्ट्स फेडरेशन, खासकर जिसके चेयरमैन हमारे शाकिर सिद्दीकी साहब हैं, जिनका पूरा जीवन यहाँ पे इस ग्राउंड में भाईचारे के लिए लगा है, इनकी पूरी टीम जो
इस वक्त लगी हुई है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये सक्सेसफुल इवेंट होगा। मैंने कल में गुजारिश भी की थी, यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, मैंने कहा जिस दिन फाइनल इसका होगा, जो कल्पेशन होगा, उस दिन एक म्यूजिकल इवेंट होना चाहिए, कोई मुशायरा होना चाहिए शाम के टाइम, क्योंकि मौसम भी बहुत साजगार है। और मैं गुजारिश करूंगा इसके लिए मैं डिविजनल कमिश्नर साहब, एडीजीपी साहब से भी, अगर उस दिन भी ये हौसला बढ़ाने के लिए किस पॉडियम के लिए आप आएंगे। हालांकि अब ये मुझे नहीं लगता कि इन्होंने इसको भी माना या कोई कंप्लीट इन्होंने किया इस चीज को, लेकिन फिर भी कोशिश है जिस दिन फाइनल हो उस दिन एक मुशायरा, कोई म्यूजिकल इवेंट शाम के टाइम हो, किश्तवाड़ के इस मैदान में 4-5 हजार नौजवान बैठे हो। हम गुजारिश करेंगे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से सिर्फ लाइन आर्डर और सिक्योरिटी का इंतजाम करें, बाकी चीजें यहाँ की किश्तवाड़ स्पोर्ट्स फेडरेशन करेगी। इसके अलावा कर्नल हारमोनी के लिए मैंने और गुजारिश की है कि कॉलेज और हायर सेकेंडरी के नौजवानों के लिए कोई ऐसे कॉम्पिटिशन, चाहे वो किसी भी प्रकार के, जिसमें बहुत सारे नौजवानों का स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट हो, उनकी इन्वॉल्वमेंट होके यहाँ पे किश्तवाड़ की कर्नल हारमोनी के लिए कोई ऐसे कदम उठाए। मुझे लगता है कि किश्तवाड़ स्पोर्ट्स फेडरेशन एक माध्यम हो सकता है, एक जरिया हो सकता है किश्तवाड़ के भाईचारे को पुनर्स्थापित करने के लिए, मजबूत करने के लिए। अंत में यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ 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 डिविजनल कमिश्नर साहब और एनजीपी साहब का मैं शुक्रिया करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।